हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सभी को व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, व्हाट्सएप के अंदर ऐसे कई सारे फीचर दिया जाता है जिसे अप्लाई करके दोस्तों हम व्हाट्सएप को सिक्योर भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो गाइस, उनमें से कई सारे टिप्स हमें मालूम होता है और कुछ मालूम नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा और साथ ही ऐसे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज परसाई और स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्रोटेक। तो गाइस, टिप्स नंबर वन में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप चाहते हैं एक क्लिक के अंदर आपके सारे व्हाट्सएप के चैट्स हाइड हो जाए तो कैसे करना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। तो गाइस, इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ऑन करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2nd नंबर पर चैट्स का ऑप्शन दिखेगा तो वहाँ पर क्लिक करें। फिर दोस्तों आपको नीचे की ओर आके चैट स्टोर की ओर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आर्चिव ऑल चैट्स, तो इसको क्लिक करके ओके करें। ओके करने के बाद दोस्तों क्या होता है, आपका चैट सारा हाइड हो जाता है। तो आप यहां से देख सकते हैं आपका चैट। फिर दोस्तों आप हाइड को ऑफ करना चाहते हैं तो उसी तरह आपको ऑफ करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप में कोई स्पेशल पर्सन है या कुछ आपका इंपॉर्टेंट ग्रुप है तो उसको आप पिन कर सकते हो, तब क्या होता है दोस्तों उसका चैट जो है सबसे ऊपर रहता है। सो दोस्तों, सबसे पहले व्हाट्सएप को ऑन करें। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आप जिस पर्सन का चैट आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो उस चैट में आप लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने मिलेगा पिन का, तो वहाँ पर क्लिक करें। इस तरीके से आप जितना रखना चाहते हो उतने को रख सकते। दोस्तों, हमें पता है व्हाट्सएप के अंदर हम 5 से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर सकते, कुछ लिंक्स वगैरह हो, कुछ फोटो मैसेज वगैरह जो कुछ भी हो। अगर हमें 5 से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको ग्रुप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली मैसेज सेंड कर सकते हो। इस तरीके से करना है अभी वीडियो में देखिए, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ऑन करने के बाद क्या करना है आपको, 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 2nd नंबर पर न्यू ब्रॉडकास्ट, तो उसको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट में दोस्तों आप 0 से लेकर 256 लोगों को कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ग्रुप बन जाता है। तो गाइस, अभी आप यहाँ मैसेज करोगे तो सबको इंडिविजुअली मैसेज जाएगा। और दोस्तों, मेरी मानो तो ग्रुप से कई ज़्यादा बेहतर है ब्रॉडकास्ट से मैसेज सेंड करना, क्योंकि दोस्तों इससे कोई किसी से परेशान नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप कुछ मैसेज सेंड करने के लिए ग्रुप क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ग्रुप क्रिएट करने से परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, इससे किसी का नंबर लीक होने का भी चांस नहीं होता है और सबसे बड़ी बात आपका काम भी हो जाता है। तो दोस्तों चलिए 4th नंबर टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं आपके व्हाट्सएप को आपके बगैर कोई ओपन ना कर सके तो वहाँ पर एक दोस्तों फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होता है, तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनेबल करना है मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो क्या, सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन करें। व्हाट्सएप ऑन करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना पड़ेगा। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक, तो उसमें क्लिक करके इसको इनेबल करें। तो अभी यहाँ पर आप अपना फिंगर लगा के फिंगरप्रिंट इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, इसका फायदा यह रहता है कि आपके बिना कोई भी आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता है। तो गाइस, चलिए 5th एंड लास्ट का टिप्स बताने वाला हूँ अभी मैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके व्हाट्सएप को कोई और अपने फ़ोन में चला ना सके या अपने फ़ोन में आपके OTP लेके आपके नंबर से व्हाट्सएप इंस्टॉल कर ना सके, तो उसके लिए आपको एक 2-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, उसको कैसे इनेबल करना है। तो दोस्तों, इस टिप्स को आप जरूर अप्लाई करिए, ये व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस, इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले क्या करें, आप व्हाट्सएप पर जाएं। व्हाट्सएप पर जाने के बाद दोस्तों 3 डॉट पर क्लिक करें। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग्स पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों अकाउंट्स पर क्लिक करें। फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसको यहां नीचे से इनेबल करें। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको 6-डिजिट पासवर्ड एंटर करना है, तो पासवर्ड एंटर करें। फिर आपको कन्फर्म करना है, कन्फर्म करें। फिर दोस्तों आपको यहां पर बैकअप मेल ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको बैकअप मेल कन्फर्म करना पड़ेगा। बैकअप मेल कन्फर्म होने के बाद दोस्तों आप यहां पर सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने से दोस्तों आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।
तो गाइस ये था आज का टॉपिक, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने फोन में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा टिप्स ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को साउंड क्वालिटी थोड़ा खराब सुनने को मिल रहा होगा, उसके लिए दोस्तों सॉरी आप सभी से। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।